बयान तो बाद अकाल तख्त साहब का एक प्रेस नोट जारी होया जिंदे च उन्होंने कहा हैगा कि जाते माफ़ी मंगन जिहड़ा स्क्रिप्टड वाले बयान तो बाद कि जाते माफ़ी मंगन नहीं तो अकाल तख्त साहब तो सज़ा लई जाएगी। अकाल तख्त साहब लिए कहना होगा पहली गल तो अकाल तख्त साहब का मैं बहुत सम्मान करता है और मैं नहीं करता पूरा सिख जगत करता अकाल तख्त साहब का सम्मान और गुरु ग्रंथ साहब साढ़े प्यो परम परमेश्वर है कि असी गुरु ग्रंथ साहब तो बिना असी उस गुरमर्यादा च हमेशा रहने हैं तो उदा दिया भावनावान कदे जिंदगी असी साध संगत दियां नू ठेस नहीं पहुँचा सकते। इतों तक मैनू तो इस गल की समझ नहीं आई भी जथेदार जी मैनू जथेदार जी कहणगे कि वड़ेंगे इत्थे आके भांडे मांज तां मैं भांडे भी मांजांगा। मैनू कहणगे राजे तू जुत्ते झाड़ तो मैं जुत्ते झाड़ांगा वैसे भी वह मैं सेवा करना। मैनू आखणगे कि होर कोई काम भी जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे जथेदार रघबीर सिंह जी साढ़े सन्मान योग मैनू कहणगे वह मैं करांगा पर मैं उन्होंने बारे ना तो अकाल तख्त साहब के बारे तो ना किसी होर बारे मैं कोई ऐसे भी जिन्हां नाल उन्होंने मन में ठेस पहुँचे मैं कोई ऐसे शब्द नहीं कहे। जितों तक माफ़ी का सवाल है मेरे तो पंजाह वारी माफ़ी मंगा लैन अगर अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का मैनू सुनेहा आ जाए जिवें तुसीं आ कहने भी अगर ये उन्हां दा बयान है जां उन्हां दी चिट्ठी है तो मैं पांच बार पहले ही कह दिना कि जथेदार साहब जी और मैं तुहाडा सम्मान करदे होए मैं तुहाडे तों जे तुहानूं लग्या कि मैं कोई गलत शब्द कहते हैं तो मैं थोड़े तो खिमा दा जाचका और पूर्ण तौर पर सिख शरदा दे मुताबक और एक सच्चा सिख होण दे नाते मैं थोड़े तो माफ़ी मंगदा है पर मैं किसी मर्यादा के खिलाफ कोई गल नहीं की। मैं तो आपके मन के भाव क्योंकि अकाली दल ये गल कह रहा है कि असी चुनाव इस करके नहीं लड़ रहे कि सानू अकाल तख्त साहब तो तनखाइया करार किया गया तो मैं यही पूछना चाहना कि तनखाइया करार सुखबीर सिंह बादल नू किया गया कि सुखबीर सिंह बादल नू ही चोन लड़न तो रोकया गया कि पूरी अकाली दल नू चोन लड़न तो रोकया गया और की सुखबीर सिंह बादल नू चोन लड़न तो रोकया गया है कि नहीं रोकया गया इरे बारे भी असी मर्यादा दे तहत मैं अकाल तख्त साहब साढ़े जथेदार साहब नू सिर चुका के इरे बारे भी मैं चाहना कि क्लैरिफिकेशन हो जाए क्योंकि साध संगत दे विच और पंजाब दे लोगां दे विच इस गल दे भरम भुलेखे पाए जा रहे ने कि जथेदार साहब ने यह गल कहती है कि ये चुनाव नहीं लगेंगे वो निकलना चाहते हैं। हालांकि अकाली दल का बीजेपी का इंटरनल समझौता है इस करके वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अंदर खाते जिहड़ी मैं कहा कि कहानी फिट है पूरे ते क्लैरिटी लिया। दूजी गल मैं निम्रता सहित बेनती करदा जथेदार साहब नूं क्योंकि फिर इदा ही कई बार हो जाती है मन के गल क्योंकि वह तो साडे जथेदार है सुप्रीम है सानू जो कहणगे असी तो उन्होंने मान ही लैना उन्होंने जो कहना मान लेना लेकिन वलटोआ साहब नूं उन्होंने कहा सीगा कि इहनूं बाहर कढ़िया जाए लेकिन मैनूं लगता वह बाहर नहीं कढ़िया गया उन्हों का अस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सन्मान बाहर क्ढना तो अस्तीफा मंजूर करना दे विच फर्क हैगा तो उहदे बारे भी तुहाडा सारे जाने असी जानना चाहते हैं पर तुहानू मेरे किसी शब्द तो या मेरी किसी गल तो मन में ठेस पहुँची हो राजा वड़िंग सत्त बारी सिर झुका के थोड़े तो माफ़ी मंगदा तो मंगदा रहेगा। मैं कुछ ना भी कहां तो मैं सुबह रोजाना महाराज के अगे जो अरदास करना है उदों साहिब श्री हरिमंदर साहब नूं याद करते हुए अकाल तख्त साहब नूं याद करते हुए रोजाना ही माफ़ी मांगदा कि सच्चे पातशाह किसी प्रकार की कोई गलती भुल चुक अज के दिन 24 घंटे कोई गलती हुई हो मैनूं माफ़ कर।